अब ये वाले पार्ट में ऑफकोर्स ऑक्सीजन के ऊपर का चार्ज नेगेटिव है, कार्बन के ऊपर का चार्ज पॉजिटिव है. ये जो ऑक्सीजन है ये करेगा ऑफकोर्स ये पॉजिटिव पार्ट को अटैक करेगा एंड ये कार्बन का जो पॉजिटिव चार्ज है उसको लेस करेगा. यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे ये वाला पार्ट भी इस तरह इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, ये वाला पार्ट भी इस तरफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है. तो लेस पॉजिटिव चार्ज आपको कौन से केस में रहेगा, सेकेंड केस पे रहेगा. तो अगर कार्बन के ऊपर का पॉजिटिव चार्ज लेस है तो इसका मतलब फर्स्ट वाले का रिएक्टिविटी ज्यादा रहेगा एज कंपेयर टू सेकेंड. यहाँ पे NH2 इसके ऊपर क्या रहता है, इलेक्ट्रॉन पेयर रहता है. अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ऑफकोर्स ये पॉजिटिव पार्ट पे अटैक करेगा, लेकिन यहाँ पे से जो अटैक हो रहा है ये दोनों साइड से हो रहा है, लेफ्ट एंड राइट से. तो जिसकी वजह से कार्बन के ऊपर का जो भी पॉजिटिव चार्ज है वो क्या हो जाता है, लेस हो जाता है. यहाँ पे भी ऑर्डर यही सेम रहने वाला. अब यहाँ पे सबसे पहले लिखना 3A. अब ये 3A में लिखो जनरल SN2PH रिएक्शन ऑफ एसिड डेरिवेटिव. ओके, सबसे पहले ये रिएक्शन अगर प्रोसीड करना है तो ये नोट लिखना, इसमें आपका लिविंग ग्रुप का जो स्टेबिलिटी है ये क्या रहना चाहिए, न्यूक्लियोफाइल के स्टेबिलिटी से ज्यादा रहना चाहिए. ये सबसे मेन है. अगर ये कंडीशन हो रहा है तो आप क्या कर सकते हो, रिएक्शन को आगे प्रोसीड कर सकते हो. अब ध्यान देना, ये मैं आपको पहले बना के दे रहा हूं फिर आप इसको लिखना, नहीं तो आपका पूरा इधर बराबर से नहीं होगा. तो सबसे पहले चीज ध्यान देना, यहाँ पे आप लिख रहे हो RC डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे इट इज CL. नेक्स्ट इसके साइड में RC डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे इट इज R. नेक्स्ट ओवर हियर इट इज RC डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे इट इज OR. एंड सबसे लास्ट में इट इज RC डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे इट इज NH2. इसके बारे में हमने ऑलरेडी किया था, यहाँ पे हमने देखा था CL माइनस है, यहाँ पे एसिटेट आयन है, यहाँ पे इट इज अल्कोऑक्साइड आयन एंड इधर इट इज एमाइड आयन. तो ये तो NH3 फॉर्म हो रहा है, इसका जो भी स्टेबिलिटी रहेगा सबसे लेस रहता है. CL माइनस का स्टेबिलिटी क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा. ओके, तो अब यहां पे सपोज इसका अगर रिएक्शन को आपको आगे प्रोसीड करना है तो ध्यान देना, यहां पे ऑफकोर्स सबसे पहले चीज आप न्यूक्लियोफाइल किसको ऐड करोगे, R, यहां पे C डबल बॉन्ड O, यहां पे इट विल बी O माइनस. इसको आप यूज करोगे किसके जैसा, एज अ न्यूक्लियोफाइल जैसे. अब लिविंग ग्रुप यहां पे कौन रहने वाला है, CL माइनस हमारा क्या रहेगा, लिविंग ग्रुप. तो ऑफकोर्स CL माइनस का स्टेबिलिटी एसिटेट आयन से ज्यादा है, ये हमने पहले भी बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि यहां पे कार्बोक्सिलिक एसिड जो रहेगा ये वीकर एसिड फॉर्म होएगा एज कंपेयर टू HCl. ओके, अब नेक्स्ट इज अगर आपको ये वाला कंपाउंड फॉर्म करना है तो सबसे पहले CL माइनस के बदले आपको क्या ऐड करना पड़ेगा, यहां पे OR माइनस. तो यहां पे OR माइनस आपका क्या रहेगा, न्यूक्लियोफाइल रहेगा. अब यहाँ पे ऑफकोर्स आपका लिविंग ग्रुप क्या रहने वाला है, तो CL माइनस जो है
ये आपका क्या रहेगा, लिविंग ग्रुप रहेगा। नेक्स्ट, अगर सपोज आपको सबसे एंड का करना है, दैट इज ये वाला पार्ट, तो यहां पे आपको सबसे पहले NH2 वाला ग्रुप को ऐड करना है Cl2 के बदले, तो यहां पे क्या आएगा, NH2 माइनस आएगा, जो आपको किसके से एक्ट करेगा, न्यूक्लियोफाइल जैसे। लिविंग ग्रुप कौन रहने वाला है, Cl माइनस। ओके, अब नेक्स्ट, नेक्स्ट अगर आपको एसिड एंड्राइड से एस्टर बनाना है, तो सबसे पहले चीज यहां पे आपका न्यूक्लियोफाइल कौन रहना चाहिए, OR माइनस। यहां पे न्यूक्लियोफाइल लिख सकते हो OR माइनस। आपका लिविंग ग्रुप कौन रहने वाला है, तो आपका लिविंग ग्रुप ये वाला पार्ट रहेगा, दैट इज ये रहेगा एसिटेट आयन। सेम वे अगर आपको यहां से, इफ सपोज यू हैव टू मेक दिस वाला पार्ट, तो यहां पे आपका न्यूक्लियोफाइल क्या रहने वाला है, न्यूक्लियोफाइल रहेगा NH2, इसके ऊपर का चार्ज क्या रहेगा, माइनस। बहुत ही सिंपल है समझने को। यहां पे आपका लिविंग ग्रुप निकलने वाला पार्ट क्या रहने वाला है, RC डबल बॉन्ड O, यहां पे इट इज O माइनस। सपोज आपको बनाना है एस्टर से अमाइड बनाना है, अफकोर्स आपको जो न्यूक्लियोफाइल जो भी ऐड करना है, दैट विल बी अफकोर्स NH2 माइनस। आपका लिविंग ग्रुप यहां पे क्या रहने वाला है, इट विल बी OR माइनस, आपको क्या रहेगा। अगर सपोज आपने क्या किया, आपको सपोज यहां से सपोज ये बनाना है, यहां पे आपको न्यूक्लियोफाइल क्या रहने वाला है, आपका न्यूक्लियोफाइल Cl माइनस रहेगा। यहां पे आपका जो लिविंग ग्रुप है, दैट विल बी RC डबल बॉन्ड O माइनस। अब ये पॉसिबल क्यों नहीं है, क्योंकि यहां पे आपका लिविंग ग्रुप कौन है, एसीटेट आयन है। एसीटेट आयन का जो स्टेबिलिटी रहता है, ये Cl माइनस से लेस है ना, तो यहां पे क्या हो गया, लिविंग ग्रुप का स्टेबिलिटी इज लेसर देन न्यूक्लियोफाइल हुआ, इसीलिए उल्टा रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। आई होप ये पार्ट आपके दिमाग में बैठ गया होगा, जरा बना लेना। सबसे पहले इसके ऊपर का जो भी चार्ज रहेगा नेगेटिव रहेगा, इसके ऊपर का चार्ज क्या रहेगा, पॉजिटिव। ऑक्सीजन OH ग्रुप है, तो इसके ऊपर का चार्ज क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा। अब यहां पे क्या होएगा, इंटरमोलिकुलर एसिड बेस रिएक्शन होएगा। इंटरमोलिकुलर एसिड बेस रिएक्शन होने के वजह से यहां पे सबसे पहले आपको एक स्टेप बताता हूं। सबसे पहले चीज यहां पे क्या होने वाला है, फर्स्ट इज यहां पे से ये H+ क्या होएगा, बाहर निकलेगा, यहां पे नेगेटिव चार्ज रहेगा, यहां पे इट विल बी C डबल बॉन्ड O, यहां पे इट विल बी Cl। आपको जिसके ऊपर का चार्ज पॉजिटिव है, तो नेक्स्ट टाइम आपको पता है क्या होने वाला है, ये O माइनस क्या करेगा, कार्बन को अटैक करेगा, यहां पे O फॉर्म होएगा, इधर डबल बॉन्ड O रहेगा, Cl माइनस क्या होएगा, लिविंग ग्रुप बन के क्या करेगा, बाहर निकलेगा, यहां पे रहेगा हाइड्रोजन के साथ अटैक करेगा, तो यहां पे फॉर्म होने वाला है HCl। तीन चीज यहां पे होने वाला है, यहां पे इट विल बी फर्स्ट स्टेप में हाइड्रोजन वाला पार्ट क्या हो जाएगा, निकल जाएगा, हाइड्रोजन वाला पार्ट निकलने से इसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज रहेगा, यहां पे एक सिंगल हाइड्रोजन रहेगा, ये नेगेटिव चार्ज अफकोर्स ये कार्बन वाले पार्ट को अटैक करेगा, एंड यहां पे फॉर्म होने वाला है C डबल बॉन्ड O, Cl वाला पार्ट लिविंग ग्रुप बन के बाहर निकलेगा, यहां पे नाइट्रोजन और H रहेगा, यहां पे इट विल बी HCl।
एडजस्ट कर लेना। यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर बनाया है एंड ये जो स्ट्रक्चर बनाया है ये दोनों क्या है, एक दूसरे से आइडेंटिकल है। अब आप पूछोगे कैसे, अब ये जो रिंग है इसको आप क्या करो, घुमा दो। तो ये घुमाएगा तो क्या होएगा, सबसे पहले यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे Cl रहेगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका सबसे पहला कार्बन, ये हो गया सबसे पहला कार्बन। फिर यहाँ पे सेकंड कार्बन रहेगा, ये सेकंड कार्बन रहेगा। नेक्स्ट यहाँ पे और एक कार्बन, तो यहाँ पे आपका तीसरा कार्बन रहने वाला है। इसके बाद यहाँ पे क्या रहेगा, ऑक्सीजन। तो ये आपका सेम ही रिएक्शन है, सबसे पहले इसके ऊपर का चार्ज क्या रहेगा, पॉजिटिव। तो ये जो नेगेटिव पार्ट है ये ऑफकोर्स क्या करेगा, ये ऑक्सीजन को अटैक करेगा, एच वाला पार्ट बाहर निकलेगा, सी एल वाला पार्ट बाहर निकलेगा, यहाँ पे फॉर्म होने वाला है सबसे पहले ये ऑक्सीजन वाला पार्ट, यहाँ पे कार्बन के साथ जुड़ जाएगा। नेक्स्ट बाहर क्या निकलने वाला है, ठीक है, एग्जाम में ऐसे अगर रिएक्शन आएंगे तो कंफ्यूज मत होना। सेम स्ट्रक्चर में अगर इंटरमोलिकुलर बेस रिएक्शन हो रहे हैं तो आपको जस्ट ध्यान देना और कुछ नहीं। सबसे फर्स्ट वाले पार्ट में आपको समझ में आना चाहिए ये जो Cl वाला पार्ट है ये हमारे लिविंग ग्रुप रहेगा। सल्फर जो है ऑफकोर्स उस पर पॉजिटिव चार्ज रहेगा क्योंकि ऑक्सीजन इज इलेक्ट्रोनेगेटिव। आपको ये सल्फर पे कौन अटैक करेगा, ये RCOO- अटैक करने वाला है। तो यहाँ पे फॉर्म होएगा सबसे पहले S डबल बॉन्ड O, यहाँ पे R रहने वाला है, यहाँ पे डबल बॉन्ड O रहेगा, यहाँ पे ट्विल भी सबसे पहले यहाँ पे आने वाला है O, यहाँ पे रहेगा C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे ट्विल भी R, क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो वो आके सल्फर को अटैक करने वाला है। तो ये हो गया फर्स्ट का प्रोडक्ट। अब सेकंड वाले प्रोडक्ट में जो हाइड्रोजन रहेगा क्लोरीन के साथ HCl1 के बाहर निकलेगा, तो यहाँ पे फॉर्म होने वाला है R, यहाँ पे रहेगा S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, यहाँ पे एक हाइड्रोजन निकल जाएगा, एक हाइड्रोजन निकल जाएगा तो ये क्या बन जाएगा NH2, इसके ऊपर का चार्ज करेगा माइनस। NH2 नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो नाइट्रोजन यहाँ पे NH2 वाला कंपाउंड बनाएगा, प्लस यहाँ पे बाहर क्या निकलेगा HCl, यहाँ पे बाहर NaCl निकलेगा। ये हो गया सेकंड वाला रिएक्शन। अब थर्ड वाले रिएक्शन में यहाँ पे सिर्फ आपको RO- दिया है, ये तो क्वाइट सिंपल बन जाता है। यहाँ पे R, S डबल बॉन्ड O, यहाँ पे डबल बॉन्ड O, Cl- बाहर निकला, तो ऑक्सीजन जो है ये सल्फर पे क्या करेगा, अटैक करेगा। सबसे पहले यहाँ पे जो लिविंग ग्रुप रहने वाला है दैट विल बी सी एल माइनस, यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर का जो चार्ज रहेगा ये नेगेटिव रहने वाला है। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले सी एच थ्री रहेगा, यहाँ पे ट्विल बी बीच में ओ, ये बेंजीन रिंग रहने वाला है, एस डबल बॉन्ड ओ, आपको यहाँ पे सल्फर के ऊपर का जो चार्ज रहेगा पॉजिटिव रहेगा, कौन अटैक करने वाला है, यहाँ पे ऑक्सीजन एंड यहाँ पे आर अटैक एंड यहाँ पे बाहर आपको HCl निकलने वाला है। चलो अब एक लास्ट एग्जांपल, फिर हम लोग इसके आगे का पार्ट करेंगे। यहाँ पे ट्विल बी सी एच थ्री, ये OH- के साथ यहाँ पे क्या कर रहा है, रिएक्ट कर रहा है। जरा ट्राई करना, सबसे पहले यहाँ पे R, C, यहाँ पे एक सिंगल बॉन्ड रहेगा O-, यहाँ पे रहने वाला है CX3 एंड इधर रहेगा OH। ओके, अब नेक्स्ट पार्ट में
ऑक्सीजन वाला पार्ट इधर अटैक करेगा, फिर यहाँ पे ये CH3 वाला पार्ट क्या होएगा, बाहर निकलेगा, यहाँ पे हो जाएगा सबसे पहले R C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे क्या फॉर्म होएगा OF, यहाँ पे ये क्या होएगा CH3 ग्रुप जो है ये लिगैंड बन के अफकोर्स जो H2O रहेगा इसको आप कैसे लिख सकते हो HOH, OH माइनस का चार्ज किया नेगेटिव, नेगेटिव वाला पार्ट क्या करेगा कार्बन को अटैक करेगा, तो यहाँ पे फॉर्म होएगा RCOH एंड इधर क्या रहेगा डबल बॉन्ड O. नेक्स्ट आता है यहाँ पे क्या रहेगा हाइड्रोजन जो है इसे पॉजिटिव चार्ज रहेगा, जो एसिटेट आयन है इसके ऊपर का चार्ज क्या रहने वाला है नेगेटिव, तो यहाँ पे फॉर्म होएगा RC डबल बॉन्ड O, ऑक्सीजन कार्बन को अटैक करेगा, नेक्स्ट क्या रहेगा कार्बन इसको डबल बॉन्ड O, यहाँ पे क्या रहने वाला है एक CH3 रहेगा, यहाँ पे तो क्लियरली चार्जेस दिया है तो ये इतना डिफिकल्ट नहीं होना चाहिए, यहाँ पे RC डबल बॉन्ड O, यहाँ पे इट विल बी C डबल बॉन्ड O CH3। ओके अब नेक्स्ट वाले पार्ट में अफकोर्स हाइड्रोजन के ऊपर क्या रहेगा पॉजिटिव चार्ज रहेगा, CH3CO- इस पे नेगेटिव चार्ज रहेगा, तो यहाँ पे रहने वाला है R C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे इट विल बी O CH3। चलो नेक्स्ट वाले पार्ट में यहाँ पे रहेगा R C डबल बॉन्ड O, अफकोर्स ये पिनऑक्साइड आयन है हाइड्रोजन जब बाहर निकलेगा तो यहाँ पे रहने वाला है O, यहाँ पे रहेगा फिनाइल। अब नेक्स्ट यहाँ पे अब इधर सबसे पहले चीज आपको ये पता रहना चाहिए यहाँ पे ऑक्सीजन जो है ये नेगेटिव रहेगा, हाइड्रोजन जो है ये पॉजिटिव रहेगा, हाइड्रोजन बाहर निकलेगा तो यहाँ पे इधर रहने वाला है R C डबल बॉन्ड O। अब नेक्स्ट वाले में अमोनिया ग्रुप अटैच्ड है, तो अमोनिया ग्रुप अटैच रहेगा तो सबसे पहले एक हाइड्रोजन बाहर निकलेगा, यहाँ पे फॉर्म होने वाला है एसिटामाइड, नेक्स्ट यहाँ पे जो बाई प्रोडक्ट है इंपॉर्टेंट है एक्सेस में लेंगे तो यहाँ पे फॉर्म होएगा अमोनियम क्लोराइड, अपने पी ब्लॉक में भी किया है जब एक्सेस में अमोनिया लेते हैं क्लोरीन के साथ तो अमोनियम क्लोराइड फॉर्म होता है, यहाँ पे दिस इज सब लोग एसिटामाइड भी बोलते हैं। नेक्स्ट वाले पार्ट में एक हाइड्रोजन क्या होएगा क्लोरीन के साथ HCl फॉर्म करेगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड O, नाइट्रोजन के ऊपर का चार्ज क्या रहेगा नेगेटिव, यहाँ पे नेगेटिव वाला अटैच होएगा, एक R ग्रुप रहेगा, यहाँ पे हाइड्रोजन ग्रुप अटैच होएगा। सेम है नेक्स्ट इसमें हाइड्रोजन वाला ग्रुप क्या होएगा निकल जाएगा, यहाँ पे R C डबल बॉन्ड O रहने वाला है, यहाँ पे नाइट्रोजन, यहाँ पे R ग्रुप रहेगा, यहाँ पे R ग्रुप रहेगा, इसके ऊपर का चार्ज हमेशा नेगेटिव, ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव ग्रुप। सबसे पहले यहाँ पे नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो ये यहाँ पे फॉर्म करेगा, सबसे पहले इधर आने वाला है NH, यहाँ पे रहेगा NH2। ओके अब ये जो है ये एसिड बेस रिएक्शन फॉर्म करता है, एसिड बेस रिएक्शन फॉर्म करने की वजह से यहाँ पे फॉर्म होएगा NH3+ एंड यहाँ पे रहेगा Cl-, यहाँ पे आप लिख सकते हो एसिड बेस रिएक्शन सबसे पहले होएगा। नेक्स्ट वाले पार्ट में भी सेम एग्जैक्ट चीज होने वाला है, यहाँ पे बस एक HCl वाला पार्ट क्या होएगा निकल जाएगा, इधर फॉर्म होएगा RC डबल बॉन्ड O, यहाँ पे इट विल बी इसमें से एक हाइड्रोजन क्या होएगा बाहर निकलेगा एंड यहाँ पे फॉर्म होएगा NH, यहाँ पे फॉर्म होने वाला है OH, इसको आप टॉलेंस टेस्ट भी बोलते हैं। फिर नेक्स्ट वाले पार्ट में
अफकोर्स क्या होएगा, सी एन वाला पार्ट इसको अटैक करेगा, यहां पे फॉर्म होएगा एंड एसीएल फॉर्म होएगा। नेक्स्ट वाले पार्ट में इसको सोडियम अजाइड बोलते हैं, ये अजाइड आयन है, यहाँ पे आर सी डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे एन थ्री आके अटैच होएगा एंड यहाँ पे फॉर्म होएगा NaCl। नेक्स्ट आता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ। अब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आपको पता है इसके ऊपर का चार्ज क्या रहने वाला है, पॉजिटिव, इसके ऊपर का चार्ज क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा। ओके, तो सबसे पहली चीज आपको यहाँ पे आर सी डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे आर आके अटैच होएगा, यहाँ पे जो भी क्लोरीन है या सॉरी जो भी ऑक्सीजन है यहाँ पे ये फॉर्म करेगा Mg, यहाँ पे फॉर्म होएगा Cl। ओके, अब यहाँ पे सबसे पहले मैग्नीशियम, इसके ऊपर का चार्ज पॉजिटिव है, क्लोरीन इसके ऊपर का चार्ज नेगेटिव है, तो ये क्या फॉर्म करेगा, R T डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे R फॉर्म होएगा, मैग्नीशियम एंड क्लोरीन MgCl2। नेक्स्ट सेम यहाँ पे भी होता है लेकिन यहाँ पे देर आर टू, तो इधर आएगा R, इधर R आने वाला है, यहाँ पे इट विल बी डबल बॉन्ड। अब नेक्स्ट वाले पार्ट में जस्ट एक सेकेंड, यहाँ पे इट विल बी टर्शियरी अल्कोहल रहेगा, यहाँ पे एक और एक। ओके, अब नेक्स्ट वाले पार्ट में इट विल बी एल आई ए एल एच। अब जस्ट ये रिएक्शन आपको समझाता हूँ, थोड़ा ध्यान देना। यहाँ पे सबसे पहले चीज R वाला ग्रुप क्या होएगा, इसको अटैच होएगा, ऑक्सीजन सिंगल बॉन्डेड हो जाएगा, यहाँ पे इट विल बी MgCl। ओके, अब इसके बाद नेक्स्ट वाले एक सेकेंड, यहाँ पे इट विल बी क्लोरीन, क्लोरीन क्या होएगा, MgCl2 के साथ बाहर निकल जाएगा, यहाँ पे एक सेकेंड ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आके अटैक करेगा, तो यहाँ पे फॉर्म होएगा O, यहाँ पे फॉर्म होएगा वापस MgCl फॉर्म होएगा एंड यहाँ पे क्या रहेगा, R ग्रुप आके अटैच होएगा। अब इसको ऑफकोर्स आपको क्या करना पड़ेगा, बेसिक मीडियम में ऐड करना पड़ेगा वाटर के साथ, तो यहाँ पे ये जो है इट विल फॉर्म OH, यहाँ पे R ग्रुप रहेगा एंड इधर R ग्रुप रहेगा, टर्शियरी अल्कोहल। आगे के दो जो रिएक्शन है वो ट्राई करना, LiAlH4 NaBrH।